धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। ये मोदी तो महामानव है। अरे मेरे भाई, भारत तोड़ने की जरूरत ही क्या थी, जो जोड़ने की इनको जरूरत पड़ गई। अगर मोदी जी के आने के बाद 370 टूटा है, हम जम्मू से बिलोंग करते हैं, हमें कितनी खुशी हुई है 370 टूटने बाद। इनके दादाजी ने जो चीरा लगाया था, आरा लेके जो भारत को काटा था, आज बेटा वही बोल रहा है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा करो, भारत जोड़ूंगा, भारत तोड़ के रख दिया था इन्होंने। बात करते हैं ये, आप खाली ये बोलते हैं कि विपक्ष का, आप बोलते हैं कि उन्होंने किया, हमने कुछ नहीं किया। आज जो 9 साल बेमिसाल हैं, वो लोग 9 साल बेमिसाल है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। अतीक अहमद मरता है तो उसे महंत बता दिया जाता है, विकास दुबे मरता है तो उसे क्रिमिनल बता दिया जाता है, जबकि क्रिमिनल दोनों हैं। पूरे विश्व में माननीय मोदी जी का अगर डंका लहरा रहा है तो हमें, हमारा सौभाग्य है जी। अगर कांग्रेस नहीं होता ना, आज देश के टुकड़े नहीं हुए होते, एक देश हो रहा होता, भारत हमारा। जो उसका समर्थक नहीं, उसमें बदबू आती है, बदबू आती है उसमें, हम जैसे में। हमें विपक्ष दिखाई नहीं देता, हमारा जो टारगेट है सीधा है, हमने सत्ता का काम करना है, 9 साल किया है और आगे भी करेंगे। INDIA नाम रख लेने से इंडिया नहीं हो जाते, कर्म भी इंडिया वाले होने चाहिए। कोई और सरकार आएगी नहीं, माननीय प्रधानमंत्री एक बार दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, नाम बदलने का तो इनका पुराना टेक्निक है, ये फिरोज गैंडी से शुरू हुआ था। दिल्ली में कभी केजरीवाल का सांसद जीता है, 2 बार इलेक्शन हुई है, 14 में भी 19 में उसका सांसद नहीं जीता, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री तो बन गए। मुख्यमंत्री आप बात कर रहे हैं सरकार, तो जब आप काबिलियत में नहीं, जब आप बात सेंटर की कर रहे हैं तो सेंटर की बात करिए, दिल्ली की बात ना करिए। अगर मोदी जी के आने के बाद 370 टूटा है, हम जम्मू से बिलोंग करते हैं, हमें कितनी खुशी हुई है 370 टूटने बाद। जब जब हम सड़क से जाते थे, आर्मी वाले जाते थे, पत्थर बजते थे 370 की आपने बात करी, अभी 5 अगस्त को पाकिस्तान वहां पर जो है प्रदर्शन करने वाला है और ये मुद्दा उठा रहा है कि वहां के लोगों को तकलीफ हो रही है। आज किस तकलीफ हो रही है, राष्ट्र विरोधियों की, राष्ट्र प्रेमियों की कोई देर नहीं। आज भी पहले जहां श्रीनगर में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, आज आपको 20% लोगों के घर में भारत का झंडा, तिरंगा झंडा फहराया दिखता है, और आप जहां 7 बजे के बाद लाल चौक में घूम नहीं सकते थे, वहां आज के 12 बजे तक दिल्ली की तरह आप लोग घूम सकते हैं। मोदी जी नहीं, मेरा क्या है, वो पैदल वो जो जो आज आज ये INDIA बना के बैठे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, भारत तोड़ने की जरूरत ही क्या थी, जो जोड़ने की इनको जरूरत पड़ गई। और पहली बात, भारत पहले से टूटा कब था, हमेशा से जुड़ा हुआ। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले, मोहब्बत की दुकान है तो मैं बोलता रहा हूँ। 1947 में जो इनके दादाजी ने जो चीरा लगाया था, आरा लेके जो भारत को काटा था, आज बेटा वही बोल रहा है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा करो, भारत जोड़ूंगा, भारत तोड़ के रख दिया था इन्होंने। बात करते हैं ये, चलिए, लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष कहती है सदस्यता छोड़िए मैम, जब ये पाकिस्तान से बोगिया भर भर के आती थी, 4 लाख लोग मारे गए थे, और इसको 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 हम छोटी नहीं बोलते, 4 लाख 25 लाख जो भी है एक बड़ी संख्या है, और आज ये बात करते हैं देश हित की। चलिए, आपने योगी का नाम लिया, जिस तरीके से अतीक का मुद्दा आया, मुस्लिम लगातार जो है कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लग रहा है इस चीज में सच्चाई। विकास अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही होती तो विकास दुबे कौन था? विकास दुबे, मैं ब्राह्मण हूँ, दुबे हमारे में आता है, ब्राह्मण में आता है, बस थोड़ा जनता की सोच में बस थोड़ा बदलाव होना चाहिए। अगर अतीक अहमद मरता है तो उसे महंत बता दिया जाता है, विकास दुबे मरता है तो उसे क्रिमिनल बता दिया जाता है, जबकि क्रिमिनल दोनों हैं। और योगी आदित्यनाथ सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनको भी देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, विपक्ष ने गठबंधन करा, जो मर्जी करा, और बीजेपी ने भी करा, बीजेपी ने भी कितनों को करा, मैं बोलता हूँ अगर 37 को भी साइड कर दिया जाए ना, योगी आदित्यनाथ को सिर्फ अकेले खड़ा कर दिया जाए, जीत जाएंगे। इतना विश्वास नहीं जरूरत है गठबंधन, क्यों इतना विश्वास? विश्वास है, जो दिखता है मैम वही बिकता है, और उन्होंने काम किया है, योगी जी ने काम किया, नहीं के रख दिया। और जो भी अभी इस समय मेरा नाम याद नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश में कोई एक मॉडल ये लॉन्च करने वाले हैं जिसके प्रति
जो हमारे जो इनके उत्तर प्रदेश से दिल्ली में कमाने आते हैं, जो मुंबई में जाते हैं, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, बरेली हो गया, इन सब जगह पे उनको काम मिलेगा। योगी ने जो काम करा वो कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई सरकार नहीं कर सकती। तो क्या कहेंगे इनकी बात से पहले तो कितना सहमत है, और आने वाले दिनों में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। मोदी जी को ही देखना चाहते हैं? हाँ। क्यों, क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं, नहीं सुनिए, वो क्यों देखना चाह रहे हैं? आप पत्रकार लोग बात करते हैं, जो उनकी कमियां हैं वो गिनाते हैं, जो उनके काम है वो क्यों नहीं गिनाते? मैं जम्मू कश्मीर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जैसे हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि 370 पे बात हुई, ठीक है ना, वो हुआ। आज उन्होंने जैसे PMAY की स्कीम है, लोगों को घर दिए गए, शौचालय की स्कीम है, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपया लोगों को, एक जो गरीब दिहाड़ी लगाने वाला उसको कोई मेजर प्रॉब्लम होती है, क्या उसका पड़ोसी या उसका रिश्तेदार कोई मदद करता है? नहीं करता है ना। उसके घर में उसके पास अपना आई कार्ड होगा, मेरे पास भी है, आयुष्मान कार्ड बना है। वो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं, चाहे वो दिल्ली में हैं, चंडीगढ़ में हैं, हमारे नारायणा हॉस्पिटल में है, जम्मू कश्मीर में हैं, उसको 5 लाख तक फ्री उसका इलाज किया जाएगा। मैरिज असिस्टेंट स्कीम है, जो बच्चियों को, जो गरीब बच्चियाँ होती हैं उनको मैरिज से एक महीना पहले ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो रहा है। एक सुकन्या स्कीम है, उसको 50 लाख रुपया लड़की को मिल रहा है। कोविड के दौरान पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जो महामारी हुई, आज हमारा हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? उसमें कितनी, किसी ने चर्चा की कि उसमें कितनी मेडिसिन आई, कहाँ से आई, कितना पैसा लगा? खाली जे, एक मिनट भैया, एक मिनट, आप खाली जे बोलते हैं कि विपक्ष का, आप बोलते हैं कि उन्होंने किया, हमने कुछ नहीं किया। आप मेरे को बताइए, नहीं बोलते हैं, विपक्षी मुद्दा खड़ा कर। मैं विपक्षियों को जवाब देता हूँ। आज का जो सोल्जर है, कोई इम्प्लाइज है, आज भर्ती होता है उसकी सैलरी कितनी होती थी? जब 47 में जो भर्ती हुआ था उसकी सैलरी कितनी होती थी? उस वक्त सोने का क्या भाव था, आज सोने का क्या भाव था? आज भी एक सैलरी के समान 1 ग्राम सोना ले सकता है, और 47 में भी बोल ले रहा है। गवर्नमेंट वही चल रही है। जैसे आप पत्रकार हैं, आपके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की आपको पढ़ाने की, उन्होंने भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आप अगर बोलो कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, ये गलत बात। आज जो 9 साल बेमिसाल हैं, बोलो 9 साल बेमिसाल है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, जो 9 साल बेमिसाल हैं आज, उसमें अगर मैडम कहीं कमी है, अगर कहीं कमी है तो उसमें मैनेजमेंट की। आज एक अगर प्रेसिडेंट हमारे सब कह रहे हैं, बात करते हैं पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने का, क्या कहेंगे, कितना सहमत है? मैं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी कह रहे थे कि उनको सपना आ गया है, ऐसा है जी। सुनिए, मैं किसी की बात नहीं करता। जो एक राजनीति नेतृत्व है, ठीक है ना, हर आदमी का मान सम्मान है। आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व अगर माननीय मोदी जी की बात कर रहा है, तो कोई ना कोई गुणवत्ता उनमें होगी। लीडरशिप तो पहले की भी आ रही है, आगे भी होगी। मोदी जी, अच्छा, मोदी जी जो है चुनाव से पहले UCC लाने की बात कर रहे हैं, एक देश एक कानून आना चाहिए। देखिए मैडम, उसको क्यों नहीं चलाना चाहिए, उसको क्यों नहीं चलाना चाहिए? ये लोग हम आपस में बातें करते हैं, किसी ने बोला, जैसे शुरू से चला है हमारा, मैं ये कहता हूँ, हमारा आपस में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई, ठीक है ना। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, अगर मैं किसी राजनीति क्षेत्र में जाता हूँ तो वहाँ जिस समाज वर्ग से ज़्यादा लोग होंगे तो मैं उनका नारा लगाऊंगा। ये कोई राजनीतिक है? ये राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक होती है अपने दम पे, अपने विचार पे, उसकी सोच पे कि राजनीति क्या कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, मैंने पहले भी बोला, पूरे विश्व में माननीय मोदी जी का अगर डंका लहरा रहा है तो हमें, हमारा सौभाग्य है जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे सौभाग्य है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी मुल्क में जाकर अपने हिंदुस्तान की चर्चा हो रही है। इससे बड़ा और कुछ नहीं होना। इस चौराहे में हम जितनी मर्जी बातें करें, उसे कुछ नहीं है। मैं विपक्ष में कोई चेहरा लग रहा है कि जो टक्कर में लगभग हो, जो जिस आदमी का एक प्लेटफार्म होता है, आपने विपक्ष की बात की, मैं विपक्ष की बात ही नहीं करता, मैं मेरी बात करने का अंदाज। 21 दल जुड़े हैं लग रहा है। मेरी बात सुनिए, आपने टांगे वाला घोड़ा देखा है? टांगे वाला घोड़ा देखा है आपने? नहीं देखा है? उसका दोनों तरफ कवर होता है, वो क्या होता है कि उसका एक टारगेट होता है। हमें विपक्ष दिखाई नहीं देता है, हमें विपक्ष दिखाई नहीं देता। हमारा जो टारगेट है वो सीधा है,
हमने सत्ता का काम करना है, 9 साल किया है और आगे भी करेंगे। ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी ओर से ये अपील है, ये हमारा संदेश है। हमारे देश में जब भी कोई बड़ी तकलीफ आती है, कोई महामानव, कोई देशभक्त कोई आ जाता है, मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता देश में, जब विकल हो जाती पृथ्वी, धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। ये मोदी तो महामानव है, ये देश मोदी जी देश के लिए दूसरा भगवान है, दूसरे भगवान है, भगवान से ही बढ़कर है, भगवान तो दिखाई नहीं। और विपक्ष, विपक्ष क्या है, विपक्ष को गाली देने के अलावा कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम जाती है। वो भी सबसे ज्यादा गालियां आजकल केजरीवाल दे रहा है जी, सबसे ज्यादा। अब आप देख लो, आपने सुना होगा परसों क्या क्या तमाशे हुए हैं नांगलोई में, परसों भी हुए हैं, कल भी हुए हैं। ये क्या है, क्या है, ये क्या है, हमारे केजरीवाल, केंद्र सरकार के पास है ना कानून व्यवस्था, सारा पता है। केजरीवाल जी क्या करेंगे, केजरीवाल और 2-3 गालियां दे देंगे और क्या करेंगे, और क्या, वो तो कहेंगे ये केंद्र पुलिस दिल्ली में केंद्र सरकार क्या। केजरीवाल तो खुद कहते हैं लगातार कि आप लोग क्या दिल्ली वासी क्या बेबस मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। केजरीवाल जो है ना मेरा खास से खास आदमी है। ऐसा है जी, एक पुराना सा मफलर उड़ के आया था, एक पुरानी सी चप्पल पहन के आया था, और एक आदिवासी का नीला बुशर्ट, और एक किसके पास वो कुछ नहीं चाहिए, एक वो गाड़ी थी पुरानी सी, कौन सी, वैगनार पुराने मॉडल की। आज उसके पास कितना पैसा है, मैं उसके घर भी नहीं जाता जबकि मेरा खास से, आज उसके पास कोई इलाज। इसके पीछे क्या कारण है जो इतने खास, हम खास हैं और मिलने नहीं जाते, हम इसलिए मिलने नहीं जाते हैं, उसको जो उसका समर्थक नहीं है उसमें बदबू आती है, बदबू आती है उसमें, हम जैसे में बदबू आती है, राजनीति है उसको, उसका तो मन है किसी तरह मोदी हटे तो मैं प्रधानमंत्री बनूं, जबकि उसके पास एक भी एमपी नहीं है, एक भी दिल्ली में नहीं है, एक भी पंजाब में नहीं है। दो से है जो बोलते बदबू आने वाली बात है, वो दो को लेके, एक तो हमारा विपक्ष हो गया, और बुरा मत मानना कैमरे पे बोल रहा हूँ, गोदी मीडिया जिनको काम नहीं दे, गोदी मीडिया तो मोदी जी को लेकर बदनाम किया, बोल रहा हूँ जिनको मोदी जी का काम नहीं दिखता, जो राहुलवादी हैं, अभी जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी टारगेट करते हैं अंधभक्त गोदी मीडिया, क्या बोल रहा हूँ, मैंने देखे, मैं नाम नहीं गिनवाना चाहता उन चैनलों के जिसपे मैंने मोदी जी के काम गिनवाए, और वहाँ पे राहुल गांधी का कोई एक काम नहीं गिनवा पाया था इनकी कांग्रेस पार्टी के, और ये सीन काट काट के दिखाते हैं बाबू, सीन काट के सच दिखाने की हिम्मत करो, जो काम कर रहा है देश के लिए, जो मेहनत कर रहा है उसका दिखाओ, जनता अपने आप चुन लेगी जिसे, अंधभक्त तो राहुल गांधी भी कहते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जनता को जिसे चुनना है बस आप सच दिखाने की हिम्मत रखो, जनता को जिसे चुनना अपने आप चुन लेगी किसे चुन। राहुल गांधी ने कहा था कि जो मोदी जी है वो अपनी छाती पर मीडिया लेके घूमते हैं, क्या कहेंगे। 2014 से पहले कौन लेके घूमता था, 2014 से पहले राहुल गांधी, जितना विनाश 1947 से 1914 में किया ना देश भूल नहीं सकता। मैं क्या क्या उनके कुकर्म दिखाऊं, देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था, आज हाँ बिल्कुल आज भी कह रहे हैं धर्म के आधार। ये महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी के 2 बच्चे और दोनों चहीते, दोनों लाडले, और दोनों को प्रधानमंत्री बनने का शौक था, दोनों को प्रधानमंत्री बनने का शौक था, लेकिन एक ही देश में रह के दो को तो प्रधानमंत्री बना नहीं सकते, तो महात्मा गांधी ने एक सबसे प्यारा जो काम करा, चलो बेटा आरा निकालो 4 इंच का, और देश को बांटना शुरू कर दिया, पाकिस्तान बनाया, और वही बंटवारा भी ढंग से नहीं करा, अगर करते ना तो ढंग से करना चाहिए था। इनको पता था कि जिन्ना जिस समय पे बंटवारा हुआ है, इतिहास हमने भी पढ़ा और हम पढ़ते हैं उसको अभी भी, उसमें देखते कि जिन्ना जी जब ये जिस लड़ रहे थे कि हमको अलग मतलब चाहिए, हम भी प्रधानमंत्री, उनको भी शौक था भाई प्रधानमंत्री बनने का, उस समय वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, और जबकि पता था इनको नेहरू जी को कि हाँ कि जिन्ना नहीं टिकने वाले, 2-3 महीने 4 महीने में निपट जाएंगे, उनके चक्कर में आके देश बांट के रख दिया, और उसी की गलती है जो हमारा 26/11 होता और आतंकवादी यहाँ पे आग गड़ाए बैठे रहते, और यही लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, बात करते हैं। सर ये भाई जो बात कर रहे हैं ना, ये समझदारी वाले एक महात्मा गांधी, सर जब दो लोग इनके जब नेहरू जी को दे दिया इंडिया, क्योंकि नेहरू जी ज्यादा चाहते थे, जो बोलते हैं ना एक माँ बाप का हमेशा जो बच्चा, जैसे 2 बच्चे हैं तो 2 में से एक सबसे ज्यादा लाडला होता है और एक थोड़ा कम होता है, एक से थोड़ा ज्यादा प्यार आ जाता है, तो पहले बच्चे थे वो किससे ज्यादा, उनको देश दे दिया गया,
और जो थोड़ा कम चाहते थे उनको पाकिस्तान दे दिया गया और उसकी भी जरूरत नहीं थी। और आज उसी का नतीजा, वो कटोरा लेके घूम रहे हैं और हमारा देश आज भी आ गया और हमारी तरक्की देख के जलते हैं और वो आए दिन हमारे देश के लिए नई नई साजिश बनाते रहते हैं। ये सिर्फ इन्हीं की गलती है, कांग्रेस की गलती है। अगर कांग्रेस नहीं होता ना, आज देश के टुकड़े नहीं हुए होते, एक देश हो रहा होता, भारत हमारा काफी मैं बताना नहीं चाहता। चीन से जब हमारा युद्ध हुआ था, हाँ 1962 में 3000 वर्ग जमीन इनके राज में, कांग्रेस के राज में भारत ने छोड़ दिया था। इसके पीछे कारण कौन था? राहुल आरएसएस में बयान देते हैं कि पिट रहे हैं इतने हथियार। कौन सा आरएसएस वाला आ गया था जिनकी वजह से भारत को 3000 वर्ग जमीन छोड़नी पड़ गई थी? कौन सा आरएसएस वाला 1947 में था जब हमारा पाकिस्तान से बोगिया भर भर के आती थी? 1984 के दंगे में कौन सा आरएसएस वाला था? बस यही है ना कि जनता को दिखता नहीं है। मैं बोलता रहूं कि जनता को साफ पता है कि कौन देश का चूतिया काट रहा है। INDIA नाम रख लेने से इंडिया नहीं हो जाते, कर्म भी इंडिया वाले होने चाहिए। कर्म नहीं है बिल्कुल। मैं बताता रहा हूँ कि हमारा पुलवामा अटैक हो, उसको कह रहे कि उसको बोलते फेक है। मोदी जी वहां पर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करे, बोलते अरे भैया वो तो रात में मक्खी मच्छर मार के आ गए है ना। तो ऐसे INDIA वालों को हमको बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है और बेकार है, इनको नाम चेंज कर लेना चाहिए। और नाम को लेकर तो वैसे क्या बोलूँ, राहुल गांधी तो नाम सुनते मेरे को याद आ जाता है कि इन्होंने नाम बदलने का तो इनका पुराना टेक्निक है। ये फिरोज गांधी से शुरू हुआ जिससे संजय गांधी राहुल गांधी, फिर तो भाई बोला गांधी, मैं गांधी नहीं बोल रहा गांधी जो सच था उस समय गांधी नाम ज़्यादा चर्चित था, तो इनको लगा गांधी से गांधी कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। राजीव गांधी संजय गांधी, फिर उनसे हुए ये हमारे राहुल जी, प्रियंका जी है, गांधी से नहीं है कोई रिश्ता, गांधी से। जी चलिए एक आखिरी सवाल जानेंगे कि क्या लग रहा है ये 26 दल का जो बल है वो 2024 में ज्यादा दिखेगा, ये जो 38 क्षेत्रीय बल जोड़े हैं एनडीए ने, क्या लग रहा है? योगी आदित्यनाथ को तो हम 2029 में लाना चाहते हैं, अभी पाँच साल अभी हम और हम मोदी जी को दे देते हैं, और मोदी जी ने भले चाहे अभी 38 को रखा हो चाहे कितने को भी रखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले मोदी और बाद में योगी। हाँ जीतना तो ऐसे मोदी को ही है और कोई और सरकार आएगी नहीं, माननीय प्रधानमंत्री एक बार दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। और 2029 में तो हमको बेमिसाल इंतजार है योगी आदित्यनाथ जी का, बेमिसाल। मैं बोलता रहूं जो सरकार ने 5 साल में काम करा है ना, 2 साल में योगी आदित्यनाथ करने का जज्बा रखती है। हमारे देश के 36 राज्यों को सीखना चाहिए, जितने भी मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए उनको। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहाँ पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आपने जनता की राय सुनी कि वो इस बार किसे प्रधानमंत्री इस बार 2024 में बनाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।